सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक्टिव राजनीति रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही है। यूपी की सियासत में इन दिनों अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है तो वो है अखिलेश यादव। बीजेपी को चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर सपा का ही नाम सबसे आगे है। इसके साथ ही अखिलेश ने अपनी राजनीति को और मजबूत बनाने के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को शाह मात की दुनिया में एंट्री करवाई। डिंपल यादव ने अपना राजनीतिक सफर 2009 में शुरू किया था। उन्होंने फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा था। ये चुनाव उन्होंने राज बब्बर के खिलाफ लड़ा था, जिसमें डिंपल को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं राजनीति अनिश्चितता से भरी हुई है। यहाँ एक राजनेता से सब्र की उम्मीद की जाती है। जिसमें सब्र है वही अपनी राजनीति की दुनिया में अपनी साख कायम करने में कामयाबी हासिल कर पाता है। उसी सब्र की बदौलत साल 2012 में लोकसभा चुनाव के दौरान डिंपल कन्नौज से निर्विरोध चुनाव जीत गई और सांसद बनी। कहा जाता है डिंपल पूरे भारत में 44वीं और उत्तर प्रदेश में 4थी प्रत्याशी थी जो निर्विरोध जीती। 2014 में वे फिर से कन्नौज से सांसद चुने गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने वाले सुब्रत पाठक ने उन्हें 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वैसे देखा जाए तो डिंपल को राजनीति की सीख विरासत में नहीं मिली। वो तो भारतीय सेना के कर्नल सीएम रावत की बेटी है। डिंपल रावत का जन्म 1878 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ। वो रिटायर्ड आर्मी कर्नल आरएस रावत और चंपा रावत की तीन बेटियों में से दूसरी हैं। उनकी मां चंपा रावत हाउसवाइफ हैं। डिंपल ने 1993 में आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 12वीं 1995 में आर्मी पब्लिक स्कूल से पास किया। डिंपल यादव के 2019 में दिए हल्फनामे के मुताबिक वो ग्रेजुएट है। उन्होंने 1998 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम किया और 24 नवंबर 1999 को डिंपल ने 21 साल की उम्र में अखिलेश यादव से शादी कर ली। उनके तीन बच्चे हैं जिनका नाम है अर्जुन यादव, अदिति यादव और टीना यादव, जिनकी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही। अब राजनीति की दुनिया में अपने पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कदम से ताल मिला रही है और अपने विरोधियों को मात देने के लिए रणनीति भी बनाती है।